हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुलाब के प्लांट्स को रिपोर्ट करूंगी। कारण काफ़ी दिन से मैंने प्लांट्स खरीद के लाए हैं लेकिन टाइम मिला नहीं। जैसे हम लोग नर्सरी से कोई प्लांट्स लाते हैं कुछ दिन के बाद ही लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का टेम्परेचर थोड़ा अलग रहता है, वहाँ का वातावरण अलग रहता है नर्सरी का, तो गमले कम है। तो मैं पुरानी मिट्टी निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने पूरा कंपोस्ट डाला था, तो आज देख देखिए पूरे मिट्टी के रूप ले चुके हैं। तो इसमें देखिए बहुत ही वर्मी अर्थवॉर्म भी बहुत सारे बने हैं। हम लोग नीचे कंपोस्ट डालते हैं ना तो ऐसे अर्थवॉर्म भी बनते हैं। तो मैं ये सब इसमें मिक्स करूँगी। ये रेत है, ये परलाइट, ये कुछ नरियल के, ये वर्मी कंपोस्ट, ये है मिट्टी। ऐसे बहुत सारे हमारे घर में सूखे पत्ते रहते प्लांट्स के, वो भी डाल सकते हैं। अभी मैं पूरी मिट्टी निकालूंगी और एक नए गमले में शिफ्ट करूंगी। पहले जब भी कोई गमला निकाल प्लांट्स लगाते हैं ऐसे होल्स की करना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल्स नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स की रूट्स पूरी सड़ जाती है। तो पहले हमें इतने सारे होल्स बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब दिए रहते हैं। हमें सिर्फ थोड़ा गर्म किसी चीज़ से करना है तो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आज मैं ये सभी प्लांट्स के रिपोर्टिंग करूँगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक गमले की कितनी सारी मिट्टी निकली है। अब यही मिट्टी मैं कितने सारे गमले के लिए मैं डालूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ मिट्टी नहीं डालना है, उसके साथ हमें सब कुछ डालना है, तभी ये मिट्टी का यूज़ इतने सारे गमले के लिए होगा, क्योंकि आजकल मिट्टी तो मिलती नहीं है अच्छी वाली। तो मैं सब मिला के प्लांट्स लगाती थी। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने नारियल के सब छिलके डाल रही हूँ, क्योंकि हमें ड्रेनेज सिस्टम को बंद नहीं होने देना है। तो नीचे कुछ ऐसे पत्थर डाल देना, फिर ये अपने घर में वेस्ट पड़ा रहता है, ये सब डालना है। अभी मैं ये सब मिट्टी को मिक्स करूँगी, इसमें गोबर की खाद और मुझे मिक्स करना है। आप इसमें हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं, राग डाल सकते हैं। ये सब डालने से एक बार हम अच्छे से मिट्टी बनाएंगे ना, तो आगे जाके हमें ज़्यादा कुछ करने की गरज नहीं। बेस अपना अच्छा होना चाहिए। तो मैं सब इसमें मिक्स करती हूँ। पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये थोड़ी मिट्टी मैं साइड में रखूँगी और मुझे प्लांट्स लगाना है। मुझे जितनी गरज है उतने ही प्लांट्स के लिए मैं मिट्टी बना रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये है नीमखली, इसे फंगस नहीं लगता है, निम्बोड़ी से बनाते हैं। और ये अपनी घर की कोयले की राख है, कोयले की राख या कंडे की भी राख चल जाती है। और ये अपनी हल्दी, आप दालचीनी पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। ये है रेत, ये बहुत ही ज़रूरी है, मिट्टी को हल्की बनाती है और पानी अपने सोख नहीं होता है, तो रेत डालना बहुत ज़रूरी है। 20% तो रेत होना है, 40% मिट्टी रहेगी, बाकी 10% गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब मिला के 100% हमको अच्छे से पॉटिंग सॉइल करना है, तभी हमारे प्लांट्स आगे जाके बहुत हेल्दी बनेंगे। तो ये मैं सब मिक्स करती हूँ, ये सब एक एक सब डालना है। अभी मैंने रेत भी ले आई है, हमारे यहाँ रेत बहुत है नीचे, तो एक दो मुट्ठी। ये नीमखली है, ये है राख, राख बहुत अच्छा रहता है, उससे फंगस नहीं लगता, कैल्शियम बहुत रहता है राख में। तो ये मैं सब मिला के एक अच्छे से सॉइल बनाऊंगी। अभी मैं पूरी मिट्टी ऐड करूंगी और इसमें थोड़ी रेत और डालूंगी, क्योंकि रेत पहले से कम हो गई थी, ये रेत अच्छी रहती है, देख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है कि सब। तो मैं सब मिक्स कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैं दोनों रोज़ के प्लांट्स इसमें लगाऊंगी और ये हमें सब फूल काट देना है। फूल काटेंगे तो न्यू शूट्स निकलेंगे। और नर्सरी की ये मिट्टी बहुत हार्ड रहती है, तो मैंने पहले इसमें पानी नहीं डाला, पानी डालते थे रोट्स सब मिट्टी ये हो जाती थी, लूज हो जाती थी और गमले से ठीक से निकलती नहीं थी। तो एक दो दिन पहले पानी डालना बंद कर देना है, तभी अच्छे से पॉलीथीन से निकल जाएगी। ये देख सकते हैं मैंने निकाल दी है और पॉलीथीन फाड़ के ही निकाल दिया, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ,
ये देखिए बहुत ही हार्ड मिट्टी है। इसमें हम थोड़ा सा पॉटिंग सॉइल डालेंगे। अभी बहुत अच्छे से वेल्डन मिट्टी बनी है ये, पहले इसको अच्छे से करते हैं। इसमें मैंने थोड़ी और नीम फली ऐड की, गोबर के साथ मैं और बातें डालूँगी कि यहाँ पे नहीं है। इसमें मुझे लगता है ये देखिए इतना नाजुक प्लांट है, ये थोड़ा सा इसमें हो गया, ये डहनी टूट गई है, तो हमें बहुत संभल संभल के करना पड़ता है। ये देख सकते हैं बहुत हार्ड मिट्टी है ये, तो एक ही गमले में मैं एक ही प्लांट्स लगाऊंगी। मैं फूल गमला नहीं भरूंगी, थोड़ा 75 भरूंगी, क्योंकि मुझे गोबर की खाद भी डालना है उसमें। अभी देखिए इतने सूखे सूखे प्लांट्स हो गए हैं, अभी पानी डालूंगी तो पूरे ग्रीन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया है पॉटिंग सॉइल मैंने बनाई है। अभी 15-20 दिन के बाद, एक महीने के बाद इस ये प्लांट बहुत ही हेल्दी बनेगा। बस अभी थोड़ा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा मिट्टी को दबा देना है। फिर और थोड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे गोबर की खाद भी डालना है, इसलिए मैं थोड़ी जगह को खाली रख रही हूँ। देख सकते हैं और ये जो सूखे फ्लावर्स हैं इसको सब प्रूनिंग कर देना है। ये जो फूल लगे हैं ये सब काट देना है यहाँ से, क्योंकि काफ़ी दिन से फूल लगे हैं और थोड़े से सूख रहे हैं, सूखने के बाद काट देना है, क्योंकि यहाँ न्यू ब्रांच आएगी और न्यू फ्लावर्स भी लगेंगे। देख सकते हैं पूरी दहनी में काट देती हूँ। तो ये है मेरे गुलाब की रिपोर्टिंग। वीडियो कैसे कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत लगती है सब हमें कलेक्ट करने के लिए मिट्टी ये सब। तो वीडियो पसंद आए एक लाइक ज़रूर करिए। और अभी मैं ये गुड़हल का भी प्लांट्स लगाऊंगी और नींबू का भी मुझे प्लांट्स लगाना है, और एक महीने के बाद मैं इसका रिजल्ट ज़रूर दूँगी।